गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2023। आइए देखते हैं कि लास्ट वीक मींस मंडे टू फ्राइडे में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 14th अगस्त से डॉलर इंडेक्स आपका 102.80 से 103.50 के बीच में मूव किया एंड डॉलर स्ट्रेंथ देखा। पिछले हफ्ते का जो यूएस पीपीआई डेटा सपोर्टेड डॉलर स्ट्रेंथ, ऑल्सो लास्ट वेंसडे को एफओएमसी मिनट्स जहां पे फेड ऑफिशियल्स आर डिवाइडेड अमोंग रेट हाइक एज वेल एज कटिंग के बीच, दैट बीइंग द केस अभी भी रेट हाइक का पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। यहां से मंडे ऑनवर्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा मंथली एंड वीकली में एक नजर डाल लेते हैं। मंथली आरएसआई जो है वो है एट 53.82, ऊपर में 60 का रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ ज्यादा शार्प अप मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। डेली में आरएसआई एट 52.85 60 के तरफ जा सकता है, दैट इन सच ए सिनेरियो डॉलर इंडेक्स में मूव टुवर्ड्स 104.50 एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, देन द सेकंड रेजिस्टेंस एरिया इज 105.50 से 105.70 के बीच। ये हो गया आपका वीकली एंड मंथ। डेली में क्या हुआ, पिछले दो दिन प्राइस जो एक्शन हुआ है वो है एक 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 डोजी टाइप ऑफ कैंडल, स्मॉल बॉडी बिग विक्स कैंडल। तो यहाँ पे फ्राइडे के हाई के ऊपर डॉलर इंडेक्स अप मूव कर सकता है। इन सच ए केस वी कैन सी डॉलर इंडेक्स टू मूव टुवर्ड्स 104.5 और थर्सडे के लो के नीचे, दैट मींस आपका 103.06 के नीचे थोड़ा सॉफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते। तो मंडे ऑनवर्स हमें देखना है डॉलर इंडेक्स किस तरफ जाता है, फ्राइडे के हाई के ऊपर या थर्सडे के लो के नीचे। अभी आते हैं डॉलर, डॉलर रुपी मंथली जो है वो है ट्रायंगल के ऊपर ही है, हालांकि अभी मंथ कंप्लीट होने में टाइम बाकी है, तो कैंडल को पूरा का पूरा कंप्लीट होने देना है, उसके बाद ही एक डिसीशन हम ले सकेंगे कि डॉलर रुपी वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स योर 85.50-86 और नॉट। अभी भी हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए, सो पैनिक करके कोई फायदा नहीं है। अभी वीकली जो आरएसआई है वो जस्ट मूव्ड अबव 60 एट 61.44, दैट बीइंग द केस आपके करंट वीक का जो हाई है उसके हाई के ऊपर अगर रुपी सस्टेन करता है, दैट मींस ये आपका हाई जो मारा है ड्यूरिंग द वीक आपका 83.4। आप बोलोगे ये लेवल तो ट्रेड हुआ ही नहीं। यस, ये 15th अगस्त जब हमारा इंडियन मार्केट हॉलीडे था एंड 16th अगस्त जब हमारा ड्यू टू पर्सी न्यू ईयर हमारा इंडियन करेंसी मार्केट हॉलीडे था, उस टाइम पे ग्लोबल मार्केट में ये ट्रेड हुआ था एंड 83.42 ट्रेडेड हाई, ऑल्दो इन इंडियन मार्केट द लेवल इज अराउंड 83.25। दैट बीइंग द केस नेक्स्ट वीक में अगर करंट वीक के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, इन सच ए केस रुपी में 85.50 के तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे जो प्राइस एक्शन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मींस अभी इसको ऊपर जाना है तो आपका ये जो 15th अगस्त का हाई है आपका इसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। इन सच ए केस रुपी का अपवर्ड जर्नी चालू हो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे दो तीन चीजें हमें देखना है. फर्स्ट डॉलर इंडेक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड इज डॉलर सीएनएच. आपका डॉलर सीएनएच 7.2920. आपका 16th अगस्त, एंड 16th अगस्त को इट ट्रेडेड हाई ऑफ 7.3299, एंड 17th अगस्त को पीबीओसी ने क्या किया, इंटरवीन किया कोई स्ट्रॉन्ग हैंड, जिसके कारण इसका जो डेप्रिसिएशन है हॉल्ट हुआ एंड सीएनएच एप्रिसिएटेड मोर देन 3%. यहाँ पे ये जब तक अंडर कंट्रोल रहेगा, सीएनएच जब तक अंडर कंट्रोल रहेगा, एंड ये पागल की तरह 17 अगस्त के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक डॉलर रुपी में हल्का सा मीन्स सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते. एक बार अगर सीएनएच इस हाई के ऊपर चलना चालू कर दिया 7.3368 के ऊपर चलना चालू कर दिया, एंड पीबीओसी फेल्स टू डिफेंड सीएनएच करेंसी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशन, इन सच ए केस डॉलर रुपी में हम अच्छा खासा मीन्स रुपी में हम अच्छा खासा डेप्रिसिएशन देख सकते हैं. उस टाइम में अगर उस टाइप का पागलपंती हम सीएनएच में देखते हैं, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखते हैं, इन सच ए केस डॉलर रुपए में एक अच्छा प्रेशर ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं. अभी यहाँ पे थर्ड फैक्टर इज द इनविजिबल हैंड्स, जो पिछले दो तीन दिनों में दे आर प्रेजेंट एंड नॉट अलाउइंग डॉलर रुपी टू डेप्रिशिएट रैपिडली. हालांकि दे हैव नॉट ब्रॉट इट बिलो 83.00, बट अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं उन लोगों को, इन सच ए केस डॉलर रुपी को फिर दोबारा ये 83 के नीचे लाने का, स्पेसिफिकली 82-80 के नीचे लाने का प्रयास करेंगे. क्या कंडीशन होगा अगर पीबीओसी ने सीएनएच को अच्छा खासा इंटरवीन करते हैं एंड आपका 7.20 7.22 एरिया पे लेके आते हैं पीबीएसई बाय इंटरवीनिंग इन देयर करेंसी. इन सच ए केस डॉलर रुपी में मींस इन इनविजिबल हैंड्स विल इंटरवीन, विल स्टार्ट सेलिंग एंड ट्राई टू ब्रिंग डॉलर रुपी बिलो 82.8. सो अभी हमारे पास दो सिनारियो है, एक ऊपर के तरफ फ्लाई होने का और दूसरा नीचे के तरफ 82-80 के नीचे उसको क्लोज दिलाने का. अभी मंडे ऑनवर्ड्स कौन सा सिनेरियो काम करते हैं उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा. एज फार एज द टेक्निकल प्राइस एक्शन इज कंसर्न, ऑल्दो इट इज इंडिकेटिंग टू मूव हायर, बट कॉन्फर्मेशन कॉन्फर्मेशन हमें बहुत जरूरी है. एक बार अगर ऊपर की तरफ चलना चालू किया, इन सच ए डॉलर रुपी 85-50 के तरफ भाग सकते. आप बोलोगे इनविजिबल हैंड्स रहेगा, यस इनविजिबल हैंड्स रहेगा, और ये जो टारगेट है 85-50, ये एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, या एक महीने का नहीं है. इट मे बी इन ए कपल ऑफ मंथ्स, मे बी 4 मंथ टू 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स, उस टाइम पे ये आपका डॉलर रुपी 85-50 के तरफ जा सकते. सो यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स विल बी देयर ऑन ऑप्टिक्स एंड विल ट्राई टू डिफेंड रूपी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस. बट मंथली अगस्त का चार्ट अभी भी क्लोज होना बाकी है. अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हैं, इन सच ए केस आने वाले महीनों 4 टू 6 टू 9 मंथ्स में भी रूपी हेडिंग टूवर्ड्स 85-50 टू 86.0. अभी पैनिक लेने का जरूरत नहीं है एंड माय इंटेंशन इज नॉट टू मेक यू पैनिक. सो रुपी में अभी भी पॉसिबिलिटीज है रुपी 80 टू 80 के नीचे आने का, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए. अभी आते हैं जीबीपी डॉलर. जीबीपी डॉलर पिछले
मंडे ऑनवर्स जो था 14 अगस्त ऑनवर्स, ये बेस आउट करके आरएसआई 40 के आसपास सपोर्ट लेके बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। हल्का सा स्ट्रेंथ है लेकिन स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है। अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देना है। इन सच ए केस देयर मे बी सम सर्टेन स्ट्रेंथ इन दिस करेंसी। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में एक डोजी कैंडल, नॉट ए डोजी कैंडल, नॉट ए क्लियर कट कैंडल, रेड कैंडल बट विथ ए प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड्स है। आरएसआई इन बिटवीन 40 to 60, करेंटली 51.83। तो यहाँ पे दोनों साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एंड आपका वीकली पे जो है, वीकली पे एक हल्का सा मीन्स पॉजिटिविटी क्या है कि इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड एंड व्हिच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है इन सच ए केस समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का अगर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल देते हैं सेंटर बैंड के नीचे एंड ऑल्सो ये जो एक लाइन खींचा हुआ है उसके नीचे, इन सच ए केस इसमें नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज टू स्लाइटेस्ट पॉजिटिव सेंटीमेंट एज ऑफ नाउ देख रहे हैं। इस लाइन के नीचे दैट मीन्स 1.26 के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन क्लैरिटी चाहिए उसके बाद ही इसमें कुछ विचार कर सकते हैं। यूरो डॉलर में इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। यहाँ पे देखिए आप आरएसआई 40 के पास सपोर्ट लिया नहीं है, अरे जीबीपी डॉलर पे ये 40 के आसपास सपोर्ट लेके बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है इन बिटवीन जीबीपी डॉलर एंड यूरो डॉलर, यू मे चूज जीबीपी डॉलर। लेकिन यूरो डॉलर में वीकनेस थोड़ा सा बरकरार है। इसके ये जो आपका 1.0850 इसके नीचे अगर एक स्ट्रांग बॉडी कैंडल दे देता है, नेगेटिव कैंडल दे देता है इन सच ए केस समथिंग लाइक दिस, तो और थोड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या रिसेंट जो पास्ट 4 डेली कैंडल्स है वहां पे ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है स्मॉल बॉडी कैंडल्स है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी इज मिस। मार्केट ट्रेंडेड तभी होगा आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल्स लाइक दिस 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 एंड दिस। इन सच ए केस वी आर यू सी द साइज ऑफ द कैंडल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका सेलिंग के लिए भी केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज जो प्राइस रिसेक्शंस एट बोथ साइड्स, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यूरो आईएनआर पे एक रेंज के अंदर में पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फॉर प्राइस क्लैरिटी। येन डॉलर येन पे आपका इट ट्रेडेड हाई ऑफ 146.56 ऑन थर्सडे, कल एक नेगेटिव कैंडल बनाया जो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया हुआ है। अभी हमें क्या देखना है, हमें एक इंतजार है ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल चाहिए हमें इस टाइप का डेली पे, एंड उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल चाहिए। इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ इन दिस पेयर। फर्स्ट टारगेट मे बी टूवर्ड्स 140-150, 141.50 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस। एक ग्रीन कैंडल चाहे वो मंडे को आए, ट्यूसडे को आए या वेंसडे को आए, उसके बाद एक रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे। इन सच ए केस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन पे येन आईएनआर पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते। सिमिलरली यहाँ पे येन आईएनआर पे एक हमें एक रेड कैंडल चाहिए समथिंग लाइक दिस, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो आपका रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज देगा। इन सच ए केस थोड़ा सा हम यहाँ पे बेस आउट करके ऊपर जाने के लिए सोच सकते हैं। अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल्स एज फार एज वॉट एवर सिस्टम आई फॉलो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं बाइंग सिग्नल। डॉलर कैंडी पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है आफ्टर ब्रेकिंग अबोव 1.34, थोड़ा सा टाइम पास किया एंड ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.3650 जो हमारा
एक्सपेक्टेशंस है। ऑसी डॉलर कल जो क्लोज हुआ है 0.640 से, यहाँ पे इस एरिया पे 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त के आसपास हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल जो 6575 के ऊपर क्लोज देगा, लेकिन वैसा क्लोज नहीं दिया है। यहाँ पे अगर क्लोज दे देता तो ऑसी डॉलर वी वुड हैव टारगेटेड 0.68, लेकिन हुआ नहीं है, रेदर नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे स्पीड के साथ जा रहा था, दैट बीइंग द केस हमारा जो टारगेट है 0.6350, जो ऑलमोस्ट काफी नजदीक, 0.63 का टारगेट है जो ऑलमोस्ट काफी नजदीक आया, ऑलमोस्ट नहीं बताएंगे, अभी भी 60 पिप्स का डिस्टेंस है, लेकिन काफी, जहां से हम डिस्कस कर रहे थे वहां से काफी नजदीक। अभी कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, डोजी का मतलब फॉल, नॉट ए रिवर्सल, नॉट ए कंटिन्यूएशन। तो ये डोजी कैंडल भी है एक इनसाइड बार कैंडल, इसके लो के नीचे फॉर द सेल ऑफ टुवर्ड 63.63.6220 अबव द हाई, थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएच में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अभी आते हैं यूके ऑयल। यूके ऑयल जो डेली चार्ट है वहां पे आपका पिछले 2 दिन में थोड़ा सा पुल बैक आया है, पुल बैक आया है एंड यूके ऑयल क्लोज एट 84.7, दैट बीइंग द केस व्हाट नेक्स्ट। यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है अगर मंडे या मंडे ट्यूसडे ऐसा एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल क्लोज दे दे जो आपका थर्सडे के लो के नीचे जाके क्लोज दे। इन सारे केस यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 79 79.50, क्या ये होगा हमें देखना है। प्राइस एक्शन इस टाइप का होगा तभी जाके हम। उसके बाद आते हैं US 10 ईयर ट्रेजरी। US 10 ईयर ट्रेजरी आपका है 7.257, ये रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, मार्केट में फर्दर रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन से। अभी इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के चला जाता है डेली क्लोज पे एंड उसके ऊपर नेक्स्ट डे एक फॉलो थ्रू देता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देने से नहीं होगा, नेक्स्ट डे उसका ऊपर क्लोज देना है, फॉलो थ्रू देना है। इन सच ए केस स्टैंडर्ड ट्रेजरी में एक अप मूव हम, फर्दर अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते, या ये होता है या यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। US 10 ईयर 2 ईयर ट्रेजरी जो है 4.949 है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है, जो कि आपका 10 ईयर पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया, रेदर ऊपर चला गया। ऑल्दो फ्राइडे कैंडल इज अ रेड कैंडल बट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया है, विस अ वी द 2 ईयर जो ये रेजिस्टेंस एरिया को रेस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो रहा है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों मीन्स नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी अगर इस लेवल के ऊपर 5.08 5.09 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी डेली क्लोज देते हैं, इन सच ए केस एक शार्प अप मूव जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकते, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा सा सॉफ्ट होने का प्रयास कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन यूएस 2 ईयर एंड 10 ईयर का जो डिफरेंस है वो है आपका करीबन 70, नेगेटिव 70 पिप्स, जो आपका कभी एक 108, नेगेटिव 108 बेसिस पॉइंट्स का हो गया था, वो काफी कम हो चुका है। दिस इज लिटिल बिट रेस्पाइट बट द वे यूएस ट्रेजरी इज मूविंग हायर, अगर ये आने वाले 2 3 महीना इसी तरह से ऊपर की तरफ जाते रहा तो यूएस यूएस इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस होगा उसको हमें थोड़ा केयरफुली मॉनिटर करना, मींस सम सॉर्ट ऑफ रिसेशन। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रिसेशन में जाएगा, लेकिन और फर्दर 2 3 महीना जाता रहा तो रिसेशन का एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है एंड ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट इन स्मॉलर बैंक्स, जो ऑलरेडी 3 4 बैंक में हो चुका है और भी हो सकता है, इवन सर्टेन सम कंपनीज में स्टार्ट डिफॉल्टिंग, वो सीनारियोज हाई इंटरेस्ट रेट सीनारियो में इस टाइप का डिफॉल्ट होने का मीन्स काफी केसेस आते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा केयरफुली
carefully monitor करना है फॉर ए लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव. दैट बीइंग द केस, हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर. एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फर्स्ट इज टीका टीवी चैनल, बिकॉज दिस वीडियो आई एम प्रिपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ टीका टीवी. देन सेकेंड इज माई चैनल, दैट इज द बोरुआज वे चैनल, जहाँ पे आप बोरुआज वे चैनल, जहाँ पे जिस चैनल को आप डेली करेंसी मूवमेंट के लिए देख सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली बेसिस में जो प्री मार्केट एनालिसिस है वहाँ इसी हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ. तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद.